Ребята, пойдем. पुष्कर लिमिटेड सिटी बस सेवा के विरोध में आज अजमेर शहर सिटी बस एवं टेम्पो यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में हम सब एकत्रित होकर उन अजमेर में जो सिटी बस सेवा चलाई है राज्य सरकार ने, उसके विरोध स्वरूप हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनको चेतावनी दी है। अगर ये नगरीय सेवा जो राज्य सरकार ने चलाई है इसको जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा, उस अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी 2 तारीख से सभी नगरीय रूटों पर रहेगी। आज किससे मिले? आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करी है, उनको हमारी समस्या के संदर्भ में हमने बता दिया है कि हमारे हर सिटी के रूटों पर, जबकि 2006 से नगरीय रूटों के छः से 2006 से नगरीय रूटों के सभी परमिटों पर बैन लगाया हुआ है राज्य सरकार ने, जबकि राज्य सरकार ने अभी ये 2-3 दिन से नगरीय सेवा चला दी है। अगर रूटों पर प्रतिबंध था तो फिर इन राज्य सरकार ने इन बसों को परमिट क्यों दिया? हमारी मुख्य मांग ये है। और अगर इनको दिया तो फिर हमारे कुछ रूटों के गाड़ियां हैं 4, 5, 6, 7, उनके वाहनों को 15 दिन अंदर 15 दिन बाहर चलने पर क्यों पाबंद करा गया? अकेला व्यवहार हो रहा है सोते, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से मांग करी है, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की रहेगी। परिवहन अधिकारी को भी अपन ने और किराए के बारे में बताया, और इससे पूर्व भी हमने कलेक्टर साहब को किराए से संबंधित ज्ञापन दिया हुआ है, क्योंकि हमारी किराए सूची 2008 से अभी तक रिवाइज नहीं हुई है। तो उस संदर्भ में हम कुछ समय पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके गए थे, उनको भी वापस निवेदन करा कि हमारी किराए की सूची रिवाइज कराई जाए, हम 2008 के किराए से चलने के लिए पाबंद नहीं है, इसलिए 2019 के हिसाब से हमारी किराया सूची रिवाइज कराई जाए, और अगर हमारे किराया में अगर संशोधन नहीं कराया गया तो इसकी भी समस्त, जो भी अगर हम आंदोलन करते हैं इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपका नाम बताएं? मुकेश यादव, अजमेर शहर सिटी बस एवं टेम्पो यूनियन अध्यक्ष।